नाग कतल थी वेल सिंध जे तालीमदान शहीद प्रोफेसर अजमल सावंत जे कातलन जे गिरफ्तारी लाए JWC पारा शुरू कयल एहतजाजी तहरीक शहर शहर में जारी आहे। ही जका तंजीम आहे सिंध सां बीठी आ, हर इंसान सां बीठी आ, बेगुनाहन सां बीठी आ, मजबूरन सां बीठी आ, लाचारन सां बीठी आ, ए एड़ा ही मानू जेके आहिन उहे हक वठी जाणंदा आहिनि। अजमल सावंत जे कतल जी FIR त उतां जे सरदार जे मथां थियणु खपे आ, न के उन्हनि कातलनि जे मथां, छो जो कातलनि जे पोयां जेके आहिनि कतल कराइण जे पोयां हथ जेके आहिनि वॾेरनि जा हूंदा आहिनि ऐं उतां जे पॉलिटिकल माण्हुनि जा हूंदा आहिनि। छो जो अजमल सावंत हिकिड़ो मिशन खणी वियो हुयो कंदकोट में त मां उतां जे ॿारनि खे शहूर ॾियां, उतां जे माण्हुनि खे तालीम ॾियां ऐं उन्हनि खे पंहिंजे राइट्स जे बारे में ॿुधायां। छो जो उतां जा वॾेरा, उतां जा MPA MNAs नथा चाहिनि त जेको आहे ग़रीब जो ॿारु तालीम हासिलु करे, उन में शहूर अचे, उहो पंहिंजे हक़ जी ॻाल्हि करे। छो जो असल में हे क़बाइली झगड़े जो हिनखे सिर्फ़ु नालो ॾिनो वञे थो, हे मां सम्झां थी त तालीम दुश्मन जेके आहिनि उन्हनि हिकिड़े तालीम दोस्त जो क़तल कयो आहे ऐं असां हिनजी पुरज़ोर मज़म्मत कयूं था ऐं असां मुतालबो कयूं था त उतां जे जेको वॾेरो आहे उनजे मथां FIR दाख़िलु कई वञे, उनखे अदालतुनि में आंदो वञे। छो जो अगरि उतां जा जेके बि सरदार आहिनि जिथे बि क़बीलनि में झगड़ा थियनि था, अगरि उन्हनि जे सरदारनि जे मथां FIR थींदी त मां सम्झां थी क़बाइली झगड़ा मुकमल तौर ते ख़तमु थी वेंदा। छो जो वॾेरा जेके आहिनि उतां जा जागीरदार चाहींदा आहिनि त क़बाइली झगड़ा थियनि, असांजूं ओताकूं आबाद हुजनि, असांखे उन्हनि जो बेनिफिट थिए, उहे पंहिंजे मक़सदनि खे हासिलु करण लाइ बेगुनाह क़तल कराईंदा आहिनि। जेके क़तल थींदा आहिनि बेगुनाह, उहे न चाहींदा आहिनि त असांजे घरनि जा बच्चा जेके शहीद आहिनि। तव्हां ॾिसो अॼु ताईं कंहिं बि वॾेरे जो पुटु या को वॾेरो तव्हांखे जेको आहे शहीद थी मर्डर थींदे नज़र न आयो हूंदो, हमेशह कंहिं न कंहिं बेगुनाह खे ई क़तल कयो वेंदो आहे। मां हिन खे क़बाइली तकरार त पंहिंजी जाइ ते, पर मां हिन खे सिंध जो जेकी आहे न सिंध जे नौजवाननि जो क़तल थी सम्झां ऐं अञा ताईं हिननि जे क़ातिल जो कुझु बि अतो पतो कोन्हे। सज़ा ॾिनी वञे जिन कातिलनि एतिरो नाइंसाफ़ी कई आहे उनजे बचनि सां, ऐं असां चाहियूं था त हुकूमत साथ ॾे त जीअं इन क़तल जे ख़िलाफ़ु सख़्त खां सख़्त कार्रवाई कई वञे। हे असां सभिनी खे क़तलु कयो वियो आहे, असां मुर्दा क़ौम बणिजी रहिया आहियूं। हे चोर धाड़ेल घटि पढ़ियल इंसान इंसान दोस्त इंसाननि खे क़तलु कनि था, जेको माशरे में नालो था कनि। असांजी सिंध जो ॿारे मुल्क में कहिड़ो नालो थींदो त असां उस्तादनि जा क़ातिल आहियूं। असांजे इदारनि में पहिरियां असांजा स्टूडेंट मारिया वेंदा हुया, नियाणियूं मारियूं वेंदियूं हुयूं जेके हिमत करे अॻिते ईंदियूं, ऐं हाणे उस्तादनि खे मारियो वञे थो। इन जो मक़सदु इहो आहे त हथ सां जेका आहे सा हथ वठी करे तालीम खे ख़तमु कयो वञे थो। शहीद अजमल सावंत जे क़तल जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत अदा कयूं ऐं अफ़सोस आहे असांजी हुकूमत ते जेका हींअर ताईं बि शहीद अजमल सावंत जे क़ातिलनि खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे। हू छा हू एतिरा बासर आहिनि जो उन जे शहीद जा क़ातिल अञा ताईं गिरफ़्तार नथा कया वञनि, पर जेसीं ताईं शहीद अजमल सावंत जा क़ातिल गिरफ़्तार न थींदा, असांजो ई परमुन एहतजाज आहे ऐं अॻिते हली असां रोड रस्ता बंदि कंदासीं शहीद अजमल सावंत जे क़ातिलनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। एक बेगुनाह के क़तल के लिए निकले हैं और उन्होंने पूरे सिंध में रैलियां निकाली हैं, इस तरह का इकदाम उन्होंने, उनका कोई पर्सनल मैटर नहीं था, एक बेगुनाह के क़तल के लिए उन्होंने यह एहतजाज किया है। देखिए क्राइम जो हुआ है एक जुर्म हुआ है, किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसका कत्ल हुआ है तो उसके कातिलों को पकड़ना चाहिए। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और कातिल अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। आज ये अजमल सावंत है, कल किसी और का अजमल सावंत होगा अगर इसका जो है अभी बरवक्त जो है स्टेप नहीं लिया गया तो। इसी तरह की रैलियां और एहतजाज मुजाहरे होते रहेंगे अगर उसके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो। डॉक्टर अजमल सावंत एक सिंध जो बाशऊर इंसान हुयो। डॉक्टर अजमल सावंत जो कत्ल एक इंसान जो न बल्कि पूरे उन इंसानियत जो है जो सिंध के लिए इल्म शऊर सिंध की तरक्की है। बहरहाल उन कत्ल कातिल जो वो गिरफ्तार न थे एक तमाम माना गलत अमल है। मुझे ख्याल में वो जागीरदारी सरदारी निज़ाम है तेजे उनका कातिल गिरफ्तार न थी सकियान या सो तो। बहरहाल जैसी ताणी डॉक्टर अजमल सावंत जा कातिल गिरफ़्तार नथा थियन त असां JWC जे तरफ़ां असां सभु जेकी बि आहियूं हमेशह जैसी ताणी कातिल गिरफ़्तार नथा थियनि तेसी ताणी आवाज़ बुलंद कंदा रहंदासीं।
प्रोफेसर डॉक्टर शहीद अजमल सावंत के कत्ल में मुलविस जवाबदारन की गिरफ्तारी लाए सिंध में नासूर बणियल कबीलाई जड़न खिलाफ जे डब्ल्यू सी के सद ते सेकंड में कलमकारन वकीलन शोरबंद तबके के माणन सियासी समाजी तनजीमन पारा चांडिया पेट्रोल पंप का एहतजाजी रैली कढ़ी वही जिका शहर के सिनेमा चौंक ते पहुंची दशहरीन पारा रैली मथा गुलन की वर्खा कई वही ही जो कतल है ही कबीला तकरार जो कतल ना है ये सिंध के शऊर जो सिंध के तालीम तरक्की जो कतल है सिंध के मुस्तकबिल जो कतल है जे डब्ल्यू सी शहर शहर में वही यो एहतजाज करे पई तो हे भोतार को निज़ाम है ही जो सरदार को निज़ाम है ये सिंध के तरक्की में वही रुकावट है सिंध जो एडो वो इंसान कतल थो है सिंध जो किरदार कतल थो है उनके कातल के गिरफ्तार न कर सिंध हुकूमत की पुलिस उनकी पुष्त पनाई पी कर पर जे डब्ल्यू सी पंजो किरदार अदा कर पुरमन एजाज क्या जी अस शहर शहर व्यू अस घिटी घिटी व्यूं तो बुधा तो सिंध में केतरो जुलम आ शहीद अजमल सावंत के खून से इंसाफ के लिए ये सबन के तैदाद में जो मू गर्शान रैली निकती है उनको मकसद यो ही है उनको मुतालबो यो ही है तो शहीद अजमल सावंत के खून से इंसाफ करो ये जो जे डब्ल्यू सी जो आवाज है वो मजलूम जो आवाज है वो आवाज कदें बंद नो जैसी तीन मजलूम से जुलम बंद न किया वो सिंध जो शऊर के कतल के पे वे जानी वाणी सिंध की तालीम तबाह के पी वे किथे नंढड़ा मैसूम बार अगवा क्या पे वन किथे अस शहीद प्रोफेसर हिजबुल्ला मेमण शहीद अजमल सावंत जरा तालीम दोस्त मूल प्रोफेसर असा शहीद कह पे वन कबाली निज़ाम के हिसाब से असा यो वफाकी हुकूमत का मुतालबो था क्यों तो इन सरदार के गिरफ्तार किया वे अजमल सावंत जहा कतल गिरफ्तार किया मसूम अगवा थी रहा सिंध में लाकन जिता है फिलफोर शहीद अजमल सावंत के कातलन के गिरफ्तार किया वे कबाल तकरार के पे सरदार जो हथन उन्होंने मना गिरफ्तार कर कानून के कटर में आंदो वे सिंध में जे कौमी कारकुन समेत धारियल कल्चर पारा जे अस आम शहरी और मासूम बार अगवा कयान उन्होंने फिलफोर गिरफ्तार कर मासूम बार उन्होंने कैद हैं धारियल कल्चर धारियल कैद हैं उन्होंने आजाद कराया अड़े प्रोफेसर जे बादशाह रखंदड़ जो कतल थे तो या पूरी इंसानियत जो कतल थे तो इनते गौर कन सिंध में जो कबीला ही जड़ा इन्हें खत्म किया वे सिंध पूरा मन सूफिन की धरती है उनके सूफिन की धरती रहन दिनों वे जो सरदारी निज़ाम है यो जो सो खराब है इन खिलाफ सख्त से सख्त एजा कहते कातल गिरफ्तार न थन उन्हें फौरी गिरफ्तार किया वे जी गिरफ्तार न करो तो अस जे भी शहरी गड़ी इन दायरे के अंदासी सिक्योरिटी तीन भी वाईंदी हि धारियल सिस्टम जो भी हल पो इन भी फौरी तौर से अमल किया वे मासूम मासूम बच्चा खाऊँ बो हर शे हुकूमत चाहे तो सब कुछ कर सके थी इन फौरी गिरफ्तार किया वे सिंध लाइ चैलेंज बनल है एकड़ो तो हि काफ़ी टाइम का एहतजाज थन पकड़ जो शौर या भरोसो कर मुतालबो तो कर शहीद अजमल सावंत के कातल के फौरी तौर से गिरफ्तार कर शहीद अजमल सावंत के कातल की गिरफ्तारी लाइ हेड़ो भरपूर जो एहतजाज किया असो पुरजोर मुतालबो है आला अख्तियार शहीद अजमल सावंत के कातल के गिरफ्तार कर उनके कैफे किरदार पे पहुंचाएं फौरी तौर जो शहीद अजमल सावंत के खून में मुलविस जवाबदार उनके गिरफ्तार किया वे तुम पान दिसो पे डी डी जो सिंध में कबीलाई जड़ा उन्होंने नासूर बणजी वे गोटन जो गोट वेड़ा वीरान पे वन हमारे मुतालबो है अजमल सावंत के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए ताकि मजलूमों को उनका इंसान मिले। नौशोरो फिरोज में डॉक्टर अजमल सावंत के कातलन की गिरफ्तारी लाए जे डब्ल्यू सी पारा एहतजाजी रैली प्रेस क्लब का अल्लाह वाले चौक ताई निकती।
प्रोफेसर अजमल सावंत के कत्ल खिलाफ एजाज क्यों पा कातिल सरदार सरपरस्ती कर रहा है उनके पेश नदा कर उनके गिरफ्तारी में रुकावटू अचन था जहाँ घोटकी जिले में हिंसा बदमनी है कश्मोर जिले में तो उनके पोया भी यही सरदार पर अजमल सावंत जो कत्ल है यो न सिर्फ अजमल सावंत जो कत्ल है पर सारे सिंध के शऊर जो कत्ल है छो तो अगर जैसे सरदारी निजाम के हलंदे असा पढ़ल लिखल नौजवान शौरी याफ्ता मू कत्ल वो सारी सिंध के शऊर जो कत्ल है जो फ्रांस जड़े मुल्क में अड़ी तालीम वी आया हो जो उत्ते पढ़ाए हा तो अलह के डॉलर कमाए हाँ जो है तो खुशहाल जिंदगी गुजार सके पो पर उन्हें वतन की पांजे जो शहर की पांजे गोठ की खिदमत कंद उत आयो उन खबर न हुई तो इन कबीलाई जो है सरदारी निजाम के वर चढ़ी वुस इन बेगुनाह कतल थी वुस जी डब्ल्यू सी जो अजमल सावंत केस के असो जो सिंध हुकूमत आ मुकमल नाकाम आ छो तो सरदार नहीं पीर नहीं वडेरन जी हुकूमत आ ये साहब जहाँ कातल हैं असो मुतलब फौरन अजमल सावंत जहाँ कातल गिरफ्तार कर कत्ल पन मासूम बार अगुआ पे थन 14 साल वही सिंध में जमहूरियत के नाले से जो मार्शल आ मड़ी वही असा वट मू कतल थे मू अगुआ थन मू मरन मू फुर्जी वजन पर उन कानून है ही को डॉक्टर अजमल के कातल के जल्द गिरफ्तार कर कैफे किरदार तक पहुंचाया वे हेडन एहतजाजन बावजूद शहीद प्रोफेसर अजमल सावंत जहाँ कातल गिरफ्तार न थियन उन गाल तरफ इशारो है त कातिल ताकतवर आहिनि ऐं सिंध हुकूमत उन्हनि खे गिरफ़्तार करण में नाकाम थी रही आहे।